मोहब्बत तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो मेरी चाहत तेरी राहत मुझ पे तुम इनायत हो अपने रंग में मुझको रंग लो मेरे सारे सपने सच कर दो तू मोहब्बत तू ही आदत मुझ पे तुम इनायत हो हाल बेटा आज़र ने सना की कंपनी ज्वाइन नहीं की आज ये अपने ही ऑफिस में था मुझसे जो हो सका मैं करूंगा तुम्हारे लिए लेकिन कंपनी ज्वाइन किए बगैर तुम्हारी वजह से फरहान के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे तुम सोच भी नहीं सकते आई नो तुमने माइंड किया होगा लेकिन मेरी अपनी कुछ पर्सनल मजबूरियां थी आई एम सॉरी कल तुम लोग हमारे यहाँ डिनर पे आओगे वरना तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली मैं सना के यहाँ डिनर पे नहीं जाना चाहती आप प्लीज उसे मना कर दीजिए हम जा रहे हैं डिनर पे तुम साथ चलोगी तैयार रहना और कोई बहस नहीं सुनूंगा मैं बिल्कुल बहाने नहीं बनाए जाते तुमसे झूठ बोल ही नहीं सकते इसलिए कोशिश ही मत किया करो सच बात यह है कि मैं तुम्हें बुटीक छोड़ने के लिए आया तुम मिनाल को उसके सामने बार बार लाके खड़ा करोगी ना तो अगर दिलचस्पी नहीं भी है तो हो जाएगी आज़र के बारे में भी तुम्हारे अंदाजे सब गलत निकले थे है ना और अब तुम फरहान को भी समझने में गलती कर रही हो सना तुम यहाँ सुबह तो मुझे छोड़ के गए थे तुम फिर आ गए तुम्हें बुरा तो नहीं लगा नहीं बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा लेकिन घर आ जाते तो अच्छा था ना वहाँ गपशप लगाते यहाँ तो काम का इतना लोड होता है नहीं नहीं मैं यहाँ गपशप के लिए नहीं आया था फिर वो एक ड्रेस चाहिए था इसमें हैरानगी की कौन सी बात है मिनाल के लिए एक ड्रेस चाहिए था और मुझे तजुर्बा है नहीं लड़कियों के ड्रेस खरीदने का तो मैंने सोचा तुम्हारी मौजूदगी का फायदा उठा लो श्योर आओ दिखा अच्छा कुछ बताओ तुम्हें पता है कि किस तरह के कलर्स पसंद करती हो ये देखो मुझे तो ये बहुत पसंद है फॉर्मल है कलर भी बहुत अच्छा है ना बहुत डल है ना बहुत ब्राइट है एंड आई रियली लाइक इट व्हाट डू यू से तुम खुद पसंद कर लो काउंटर पर दे दो मैं पेमेंट देके चला जाऊंगा वाह इतना भरोसा है तुम्हें मेरी चॉइस पे खुद से ज्यादा कुछ चाय कॉफी चलेगी से कॉफी का वक्त तो हो गया तुम कब तक हो यहाँ पे मैं बस अभी वाइंड अप ही करी थी लेकिन कॉफी तो पी जा सकती है क्या कॉफी तुम्हारे घर में पी सकते हैं अच्छा तो ये सब बहाना था मुझे घर वापस राइड देने के लिए नहीं मैं सच में मिनार के लिए ड्रेस पसंद करने के लिए आया था लेकिन यहाँ आके बहाना मिला कि तुम्हारे घर में बैठ के तुम्हारे हाथ की बनी हुई कॉफी पीने का मौका हाथ से जाने ना दूं चलो फिर मेरे ख्याल से ये ले लेते हैं क्या ख्याल है मुझे तो अच्छा लगता है ठीक है अच्छा डिस्काउंट भी दूंगी तुम्हें आओ जब काम से घर वापस आती हो तो क्या करती हो कुछ भी नहीं जब से घर आती हूँ घर का तो कोई काम होता नहीं है बस खाना वाना खाती हूँ अपनी ईमेल्स चेक करती हूँ थोड़ा सा टीवी देखती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ कोई सोशल लाइफ नहीं खाया पिया सो गए बस हाँ सॉर्ट ऑफ है नेबरहुड में एक दो फैमिलीज तो बस उनसे कभी कभार सलाम दुआ ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं समझा मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए दुख सुख में काम आते हैं ये तो है लेकिन जो औरतें होती हैं वो गॉसिप भी बहुत करती हैं और मेरे में तो इतनी एनर्जी बिल्कुल नहीं होती इतने काम के बाद के मैं उनके साथ जाऊँ बैठूँ और फिर गॉसिप करूँ वैसे वो मेरे बारे में गॉसिप जरूर करती हैं मुझे मेरी मेड बताती रहती है तुम्हारे बारे में क्या गॉसिप हो सकती है भाई मैं
अकेली औरत एक अजूबा हूँ उनके लिए. वो उनको बहुत अजीब सा लगता होगा ना कि एक औरत है टोटली ऑन हर ओन, काम करती है, अकेली रहती है बगैर किसी के. तो हाँ, लेकिन औरत अकेली रह तो सकती है, क्यों नहीं. हाँ, ये अलग बात है कि तनहा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, चाहे मर्द हो या औरत. मैं इस बात को समझ सकता हूँ. मगर तुम तो कभी भी अकेले नहीं रहे, हमेशा तुम्हारे साथ आयशा बाजी, रूमी, मिनाल के बच्चे आयशा बाजी के. तुम्हारी बात यह ठीक है, जिंदगी तनहा तो नहीं थी, लेकिन अपने वजूद के अंदर तनहाई महसूस करता हूँ और उम्र के साथ साथ ये तन्हाई बढ़ती चली जा रही है. जिंदगी गुजर गई, मैं कभी पैसों के पीछे भागा नहीं. हालांकि जिंदगी में मौके बहुत मिले जहां अगर मैं चाहता तो बहुत सा पैसा बना सकता था, लेकिन पैसों का मैं क्या करता, किसके लिए कमाता. पैसा मेरी भी कभी कमजोरी नहीं रही. लेकिन जुदा तो हम इसी वजह से हुए ना. इस वक्त मेरे पास कोई ढंग की नौकरी जो नहीं थी. हाँ, बस निकल रहा हूं मैं 5 मिनट में. कहा ना 5 मिनट, इसका मतलब 5 मिनट. हाँ, आ रहा हूं मैं. और कितनी देर है तुम्हें? बार बार सना के फोन आ चुके हैं, मुझे उसे इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता. मैनर्स भी कोई चीज होती है. मुझे मैनर्स याद दिलाने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन आप खुद याद कर लें, जब शादी के दूसरे दिन रूमी और सरमद भाई आए थे तो कितने घंटों बैठ के इंतजार करना पड़ा था. लेकिन आप तो वहीं बैठे रहते, सना की तिमारदारी में. तुमने ये बात दिल में अब तक सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम बदले के लिए इस्तेमाल करो. मेरी इस घर में वो पहली सुबह थी, भूल सकती हूँ मैं? माना मुझसे गलती हुई, तुम क्या चाहती हो मुझसे? इस वक्त तो मैं ये चाहती हूँ कि सना के घर ना जाऊं. मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ. हाँ, प्लीज उनके सामने अपना मूड अच्छा रखना. मैं नहीं चाहता उन्हें एहसास हो कि हमारे बीच कोई तलखी चल रही है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी दावत खराब हो. नजर नजर रही करते क्या बात है, तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे हम पार्टी में जा रहे हैं. अरे डिनर है ना, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हमारे घर तो लोग आ रहे हैं ना. तुम्हें किसका इंतजार है? क्या मतलब, जो एक्सपेक्टेड गेस्ट हैं वो ही आएंगे ना, और कौन आएगा? आज़र से तो हम लोग रोज ही मिलते हैं, घर जैसी बात है. क्या मिनाल के आने की वजह से एक्साइटेड हो? अरे ये क्या बात हुई, मैं क्या अपने लिए तैयार नहीं हो सकता? और मेरा दिल नहीं है क्या? क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें जज नहीं किया कि तुम किसके लिए संवर रही हो, बल्कि मैं तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में ला भी नहीं सकता. मुझे भी ऐसे ख्याल नहीं आते, लेकिन आज तो तुम्हारे रंग ही कुछ और हैं. मुझसे ज्यादा वो दोनों तुम्हारे गेस्ट हैं. Really? Thank you so much. अगर तो वो मेरे गेस्ट हैं, तो फिर मैं ही डिसाइड करूंगी कि किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए. घर तो मेरा भी है, इसलिए जो कोई भी मेरे घर आएगा मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे अच्छे तरीके से अटेंड करूं.
तुम क्या देख रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब मुझे टू मच लग रहा है। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें तलाक क्यों हुई थी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कभी तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की, और नहीं मैंने किसी से जिक्र किया। फिर मैंने खुद ही बता दिया था उसे। इसे तुम मेरी बेवकूफी समझो, नादानी, सादगी या सच्चाई, मेरा ख्याल था शादी एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है और उसमें किसी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए। सो मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारी मेरी मंगनी हुई थी जो टूट गई, और ये भी कि मुझे तुमसे ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस बात का अंदाजा मुझे जल्दी हो गया था, बहुत शक करने लगा था वो मुझ पर। थोड़ा सा तैयार भी होती थी तो ये समझता था कि शायद मैं तुमसे मिलने जा रही हूं। फिर मैंने ये सोच के तैयार भी होना छोड़ दिया कि शायद इससे ही कोई फर्क पड़ जाए, पर नहीं। उस पे वो ये कहने लगा कि शायद मैं तुम्हारे गम में ही तैयार नहीं होती। फिर ये कि मुझे अपनी जिंदगी से, अपने आप से नफरत होने लगी। कई बार सोचा कि इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, बहुत सोचा, मरने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर ये सोचा कि इतनी गलीज जिंदगी भी नहीं चाहिए मुझे, और ना ही ऐसी मौत जो कि हराम हो। मैंने उसे डिवोर्स मांगी और उसने दे दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताती तुम्हें? तुम तो मेरी जिंदगी से निकल चुके थे, इसलिए बताती कि कमजोर थी, लाचार थी, तन्हा थी, सहारे की जरूरत थी मुझे। मेरी इज्जत नफ्स मुझे कभी भी इसकी इजाजत नहीं देती। अम्मी ने कुछ सारी जमीन मेरे नाम की हुई थी, बस उसको मैंने बेचा, ये घर खरीद लिया, और बाकी जो पैसे बचे उससे बिजनेस शुरू कर दिया, बुटीक का। अल्लाह का शुक्र है, आई एम डूइंग वेरी वेल।
और कॉफी पियोगे? बनना। मैं बता नहीं सकता तुम दोनों को यहां देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कैसी हो मनाल? मैं ठीक। और आप? मैं भी ठीक हूं। तुम्हें देखकर, तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए अंदर चलते। थैंक यू मिनाल फॉर कमिंग। तुम्हें देखकर तो मुझे हैरत हो रही है। मैं समझी नहीं, इसमें हैरत की क्या बात है? मुझे लगा कि शायद तुम आओगी नहीं। क्यों, क्या मैं इनवाइटेड नहीं थी? ऑफ कोर्स इनवाइटेड थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम हमारी कंपनी एंजॉय नहीं करती, बोर हो जाती है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती। कितना अजीब है ना ये सब, बहुत अजीब लग रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि तुम और मैं यहां इस तरह खड़े होंगे, जहां तुम गेस्ट बनकर आई हो। ये भी तो हो सकता था कि तुम होस्ट होती और हम तुम्हारे गेस्ट। फरहान से तुम्हारी शादी होने जा रही थी और हो भी जाती, पर पता नहीं कैसे ये सब ऐसा तो नहीं लगता तुम्हें कि फरहान को ठुकराकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। और वैसे भी ये सब तो किस्मत के खेल होते हैं ना। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, लेकिन शायद तुम जो चाहती थी तुम्हें ना मिल सका। आई नो तुम्हें बुरा लगता होगा, आज़र और सना हमेशा एक दूसरे में यही गुम रहते हैं। उनको तो एहसास भी नहीं हुआ होगा कि हम उनके सामने से उठकर यहाँ आ गए। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। वैसे तुम दोनों को साथ देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मिनाल, इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ी देर के लिए आज़र के साथ बैठ सकती हूँ प्लीज? श्योर, थैंक यू। वो क्या है ना, तुम्हें तो हर वक्त मौका मिलता है इसके साथ बैठने का, मुझे कहाँ मिलता है। तुम्हारे पसंद की सारी डिशेस बनवाई है मैंने आज़र। इतना कहाँ खाऊंगा, पार्सल करा दूंगी, बाबा के लिए लेके जाना। तुम्हें पता है आज़र, ये आज के डिनर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सुबह से कुक के साथ मेहनत कर रही। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी आज़र, पता नहीं फिर कब मौका मिलता। तुम्हारे पसंद की एक एक चीज का पता है मुझे। और मेरी पसंद का, मेरी पसंद की कोई चीज बनवाई है या नहीं? मुझे क्या पता तुम्हारी पसंद क्या है और क्या नहीं, तुम बताओगे तो पता चलेगा ना। सही बात है यार, मुझे क्या पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। कभी किसी ने मेरी पसंद पे गौर ही नहीं किया। तुम्हें पता है मिनाल, तुम्हें कहां पता होगा, आज़र की चॉइस बहुत क्लासी है, उसको यूनिक चीजें पसंद है। He is amazing. बस एक जिंदगी का फैसला। खैर जाने दो, जो होना तो हो गया। एक्सक्यूज मी यशो, तुम इतनी देर से क्यों आए?
हेलो। हाँ रोमी, कैसी हो तुम? समर भाई ठीक है? हाँ, मैं तो आज़र के साथ ही आएंगे, किसी के यहाँ दावत है। छोड़ो उसे, तुम्हें इससे क्या, अपने बारे में बताओ। आप क्या हुआ, तुम मुझे यूं देख के डर क्यों गई यार? देखो ये क्या, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, तुम ठीक तो हो? आई नो आज़र और सना हमेशा एक दूसरे में यूं ही गुम रहते हैं, उनको तो एहसास भी नहीं हुआ होगा कि हम उनके सामने से उठकर यहां आ गए। तुम्हें जलसी तो हुई होगी है ना? मुझे बहुत जलसी होती है। मेरे रास्ते से हटे। क्या हुआ यार, मैं तुमसे क्या बात नहीं कर सकता? मेरी और तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है, हम कम से कम शेयर तो कर सकते हैं ना? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो ना करो, तुम सुन रही हो, मेरे लिए यही बात। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मैंने गलती की, मुझे फरहान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे कितना समझाते रहे लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ी रही, काश कि मैं तुम्हारी बात मान लेती। कि मैं तो ये समझता रहा कि तुम दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ। खुश तो अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी जगह जाकर, अच्छी मूवी देखकर भी तो हो सकते हैं, लेकिन वो वक्ती खुशी होती आज़र, और फरहान से मेरी शादी वक्ती खुशी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही है, ये शायद पड़ चुकी है। देखो कपल्स में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। देखो मिल बांट के डिस्कशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं कॉम्प्रोमाइज भी कर रही हूँ लेकिन किस किस बात पर करूँ और कहाँ कहाँ करूँ? शादी के बाद सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि पहले मैं ऑफिस में एम्प्लॉय थी, अब घर में पेड एम्प्लॉय थी, अब तो वो भी नहीं। तुम फरहान से बात क्यों नहीं करती इस बारे में, समझाओ उसे। फरहान को तो मैं समझा लूं लेकिन उसके फादर, पता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे इस घर में अब तक वो इज्जत नहीं मिली जो एक बहू को मिलती है। अब तुम देखो, तुम मेरे लिए आए हो ना, कितने अच्छे दोस्त हो मेरे, उन्हें तुमसे आकर मिलना चाहिए था ना, जबकि तुम तो अपनी वाइफ के साथ आए हो, लेकिन वो नहीं आए, ये बात तुमने नोट की? नहीं, फ्रेंकली मैंने ऐसी कोई बात नोट नहीं की, मैं तो समझा शायद वो घर से बाहर किसी काम से गए होंगे, वैसे ही मसरूफ होंगे। नहीं नहीं, वो घर में ही हैं, जानबूझकर कमरे से नहीं निकल रहे हैं। बात तो सिर्फ ये है कि इस घर में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम परेशान मत हो, कुछ चीजों को ठीक होने में टाइम लगता है, वैसे भी तुम्हारी शादी को देने कितने हैं। Stay strong. Strong रहो। आज़र, प्लीज हम घर जा सकते हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये क्या बात हुई? इतना सब कुछ अरेंज किया उसका क्या? प्लीज चले यहां से। नाली सब क्या है? अगर दिल नहीं था तो नहीं आती, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना आज़र? हम खाना खा के जाएंगे, कितनी देर है खाने में?
मैं बस अभी लगा देती हूँ। बात करती तुम भी, क्या था ये? हम खाना खाए बगैर नहीं जा रहे, प्लीज। इतनी देर तुम कहाँ चले गए थे? एक फोन तो कर सकते थे। तुम्हें ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं घर में परेशान हो रही होंगी? फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे? सॉरी बाजी, फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई। तो तुम गए कहाँ थे? वो एक दोस्त के पास चला गया था। एक नहीं, तुम 100 दोस्तों के पास जाओ, लेकिन कम से कम बता तो देते। सॉरी बाजी, गलती हो गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए तो परेशानी हो रही थी कि पहले तो तुम ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अब ये नए दोस्त कहाँ से पैदा हो गए? कितनी परेशान हो रही थी मैं, कितने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में, क्या करूँ, किससे पूछूं? एक लम्हे को तो ख्याल आया कि मैं मिनाल से शेयर करूं। मिनाल को भी परेशान कर दिया आपने? नहीं, मैंने उसे फोन नहीं किया। उसको और आजर को फरहान की दावत में जाना था, शाम को फोन आया था तो बता रही। हाजी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मिनाल और आजर का फरहान से इतना मिलना जुलना क्यों हो गया है? पिछले दिनों वो लोग आए हुए थे, सना तो तकरीबन रोज ही आती है। हाजी, तुम्हारी बात मानती है, तुम उसे समझाओ। मिनाल एक समझदार लड़की है, वो अपने हालात को बेहतर समझती है। जरूरी तो नहीं कि वो हर फैसला सही करे, उसकी गलतियों पर समझाना भी तो हमारा फर्ज बनता है ना। आज ही वो अपनी जिंदगी में अकेली नहीं है, वो अपने शौहर की मर्जी को देखकर फैसले करती है, और यही अच्छी बात है। अब फरहान से मिलने में क्या मसला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों मिलते हैं वो फरहान और सना से? तुम पूछो उससे। पाजी, हमें बच्चों की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बच्चों की जिंदगी है, हमारा काम है उनको दुआएं देना, ताकि वो जाने उनका काम। आइए बाजी, आइए, बेफिक्र हो जाए, आप फिक्र ना किया करें। फिर गुस्सा करने के बजाय आप मुझसे ये पूछें। क्या पूछूं तुमसे, पूछने की जरूरत क्या, जब मैं जानता हूँ कि वजह क्या थी। वजह यह थी कि तुम वहां पे जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, बेवकूफ था। सर, मेरा बहुत दिल को घबरा रहा था। तो दिल को थोड़ी देर संभाल लेती तुम, हम दावत में गए हुए थे, खाना खाने से भी इनकार कर दिया। मैं परेशान हो गई थी, और हम जो तुम्हारी वजह से परेशान हुए, वो सारा माहौल कितना टेंस हुआ हुआ था तुम्हारी वजह से। बहुत मुश्किल से मैंने सारी सिचुएशन कंट्रोल की, फिलहाल मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करना था ये कि तुम्हारा दिल इतना छोटा हो। आज़र बस कर दे, कुछ और बर्दाश्त नहीं होगा। तुम जानती हो बर्दाश्त होती क्या है? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय तुम सॉरी बोलो, अपनी गलती को अंडरस्टैंड करो। तुम रो रही हो, रोना तो मुझे चाहिए। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैंने भी। कॉफी? अरे बेटा, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कॉफी? मजे की है। बाबा, आज मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी, आप प्लीज कामी से कहेंगे मुझे ड्रॉप कर दें। हाँ बेटा, जरूर जाओ, लेकिन कामी से क्यों कहूं? आज़र, तुम क्यों नहीं ले जाते मिनाल को इसकी अम्मी के घर? बाबा, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता।
रहने दे बाबा, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटे, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों नहीं ले जाना चाहते, कोई प्रॉब्लम है? बाबा मेरी मीटिंग्स हैं, कैसे समझाऊं आपको, मीटिंग्स तो पहले से प्लान होती है ना, और इस तरह के अर्जेंट काम एकदम आएंगे तो अपने काम कैसे मैनेज करूंगा। कोई ऐसा आउट ऑफ द वे भी नहीं है इसका घर, और क्या फर्क पड़ेगा तुम अगर छोड़ दो, और अगर फर्ज करो ऑफिस से देर भी हो जाती है तो उन्हें फोन करो, इन्फॉर्म कर दो, और क्या। बाबा ऑफिस में सब जानते हैं कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, और आप मुझे इतना पुश क्यों कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता ये काम तो नहीं कर सकता। सॉरी बाबा, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है, खुदा हाफिज। मिनाल। जी बाबा। तुम्हारे और आजर के बीच में कोई नाराजगी चल रही है क्या? नहीं। इधर देखो मेरी तरफ। झूठ बोल रही है? तुम क्यों सारे शहर में मुझे ढूंढते फिर रहे हो? बुटीक पे नहीं मिली तो मुंह उठा के घर चले आए हो, तुम लगते क्या हो मेरे? मैं तो इसलिए फिक्र कर रहा था कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी ना, अपने प्रॉब्लम्स मैं हमेशा से खुद ही सॉल्व करती आई हूँ, तो मेरे बाप तो नहीं होना कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूंगी। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। मैं नहीं मानता आजर ने मिनाल की आड़ ली है, वो एक सीधी साधी लड़की है, वो क्यों मना करेगी? वजह बताऊंगी तो बुरा लग जाएगा। खैर तुम आज आजर से पूरा प्रोग्राम डिस्कस कर लेना, मैं नहीं चाहता इस मामले में और कोई देर। मैं भी यही चाहती हूँ, कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ लाइन अप हो जाए। चलो अब इसके लिए देर हो रही है, लेट्स गो। रुको 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 फरहान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पापा अगर बात लंबी है तो मैं ऑफिस से वापस आके आपसे बात कर लूंगा, अभी हम लोग जल्दी में हैं। नहीं मुझे अभी बात करनी है, और देर का क्या है, हम लोग तो अक्सर लेट ही ऑफिस जाते हो, आज मेरे लिए सही। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो हम दोनों रुक जाते। सना के रुकने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। तो अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो, है मिनाल? आपसे तो क्या बाबा, मैं तो खुद से भी झूठ बोलने लगी। मगर क्यों? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो झूठ नहीं बोलते बेटा, और तुम उनमें से एक हो। जिंदगी सब कुछ सिखा देती है, अब मैं भी झूठ बोलती हूँ, कभी कभी बोलना पड़ता है। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? आप चाहते हैं मैं आपसे फिर झूठ बोलूं? नहीं, मैं चाहता हूं तुम मुझसे सच बोलो। तो फिर कुछ ना पूछो, यही बेहतर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है अगर मियां बीवी अपने मामलात खुद सॉर्ट आउट करें और कर लेने चाहिए, और मैं खुद इसी चीज का कायल हूं कि किसी को मियां बीवी के दरमियान नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा बेटा कि जितनी जल्द हो सके मियां बीवी को अपनी नाराजगी खत्म कर लेनी चाहिए, वरना ये छोटी छोटी बातें मिलकर बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा बन जाती है। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ,
आज़र को फोन कर लेना कि शाम को वापसी में तुम्हें लेता आ रही है। मैं नहीं जा रही बाबा, किसी और दिन चली जाऊं। लगता तो नहीं तुम कोई भी काम सोच समझ कर करते हो। मैं तो तुम्हारे शादी के फैसले से भी ना खुश था। पता नहीं क्यों इतने इमोशनल हो जाते हो तुम। सना से शादी मेरा इमोशनल प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर क्या था ये सब कुछ? क्यों तुम अपनी बीवी की खातिर ऐसे लोगों से ताल्लुक रखे हुए हो जो कल तक तुम्हारी जान के दुश्मन थे और आज उनको घर में दावतें दी जा रही हैं? और जिस लड़की को हासिल करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और अब? पापा, सना, आज़र और मिनाल, ये तीनों शतरंज के मोहरे हैं। इनको कब शह देनी है और कब मात, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आज मुझे इनकी जरूरत है और वक्त आने पर मैं इनको बाहर निकाल दूंगा। कभी कभी इस खेल के पक्के खिलाड़ी भी मात खा जाते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो तीनों मिलकर तुम्हें ना मात दे दें। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ है। लेकिन आप इस गेम को मेरे लिए मुश्किल बना रहे हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? आप उन तीनों के साथ ना सही, कम से कम सना के साथ तो नरमी से बात कर सकते हैं ना? नहीं भाई, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे जो दिल में हैं, वही मेरी जबान पर हैं। मैं अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकता। तुम मुझे उन लोगों से दूर ही रखो और ये लड़ाई तुम खुद ही लड़ो। वो तो मैं खुद ही लड़ूंगा और मेरा इस बात पे पक्का यकीन है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। खुदा नीलम्बा जी, वो गाजी साहब आए, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैं आती हूँ। हाँ कहो, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे बुटीक गया था, वहां पता चला कि तुम आई नहीं हो। मैंने सोचा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है या कोई प्रॉब्लम है। खैरियत मालूम कर लेते हैं। क्यों, कोई काम था मुझसे? काम नहीं तो बस ऐसे। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, एक दफा इत्तफाकन मुलाकात क्या हो गई? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। क्या हो गया नीलम, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हो गया? तुम्हें खुद नजर नहीं आता क्या हो गया? हाँ, तुम देख नहीं रहे? तुम तो मुसीबत ही बनते जा रहे हो मेरे लिए। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम किस बात पे खफा हो रही हो? तुम क्यों सारे शहर में मुझे ढूंढते फिर रहे हो? हाँ, बुटीक पे नहीं मिली तो मुंह उठा के घर चले आए हो? तुम लगते क्या हो मेरे? मैं तो इसलिए फिक्र कर रहा था कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी ना। अपने प्रॉब्लम्स मैं हमेशा से खुद ही सॉल्व करती आई हूँ। तुम मेरे बाप तो नहीं होना कि मैं तुम्हारी उंगली पकड़ के चलूंगी। और मेरे प्रॉब्लम्स जो होते थे मैं खुद ही सॉल्व करती थी। मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया कि तुम आके मेरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम किसी के प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते। तुम तो अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकते, इतने कमजोर और बुजदिल आदमी हो तुम।
तू मोहब्बत तू ही आदत।